एवोक्स जहाज जो होता है ना, वो जहाज के ऊपर रडार होता है। शर्म की बात है कि हमसे ज्यादा पाकिस्तान में। हमारी पनडुब्बी 3 दिन में बाहर आ जाती है, सांस फूल जाता है उसका, और उसकी पनडुब्बियां 21 दिन बाद निकलती है। एयरफोर्स को अगर देखेंगे हम लोग ना, एयरपोर्ट तो यहाँ पासीघाट है, अनीनी है, तेजपुर है, हासीमारा है, बीटा, यहाँ पे आपका बागडोगरा एयरपोर्ट है, सब एयरपोर्ट के स्टेशन है सब यहाँ पे। कमांड कहाँ से लिया जाता है? जैसे मान के चाइना से जहाज आ गए, सही से जहाज आ गए सब, यहाँ से तुरंत जो स्टैंड बाई पे रहेगा उड़ जाएगा दूठो, समझ गया? बाकी बैकअप वाले इसके पीछे रहेंगे सब। उड़ गया, कमांड ऑफिस से तुरंत पूछ दिया जाएगा क्या करना है, सीधे कहेगा इंगेज, मतलब नौटंकी करेगा तो इंगेजमेंट कर लेना, इंगेज हाँ, क्या करना है इंगेज। उड़ गया ऊपर, नीचे कमांड ऑफिस से भेज दिया, मार सुजन दौड़ा के यहाँ पे। तो स्टैंड बाई वाले सबसे पहले उड़ते हैं सब, स्टैंड बाई वाले खड़े ही रहते हैं सब यहाँ पे पूरी तरह से तैयार। जैसे पता चलेगा 200 किलोमीटर जहाज है, धड़ाम से उड़ के रेडी एयरबॉर्न, समझा गया? अच्छा, हम लोग का तो जो रडार लगा हुआ है, तो ये रडार तो यही मान के चलिए हमने यहां रडार लगा रखा, तो इतना दूर देखता है। हम लोग ने क्या किया, एवोक्स जहाज खरीद रखा है। एवोक्स, एवोक्स जहाज जो होता है ना, उड़ने वाला जहाज होता है, और वो जहाज के ऊपर रडार होता है, तो उसको हम लोग एकदम पसवा उड़ाते हैं इसे, इसके ऊपर रडार रहता है, वो इतना दूर देखते रहता है। सोचिए अब ये चलता फिरता रडार है, यहां उड़ के जाएगा तो ये पूरा देखेगा, और यहीं से कमांड देते रहेगा, कहेगा कि पाकिस्तान में 3 गो हेलीकॉप्टर यहां क्या कर रहा है सब, तो सब रेडी रहते हैं सब। तो एवोक्स बहुत जरूरी है, शर्म की बात है कि हमसे ज्यादा पाकिस्तान में। एयरफोर्स को अगर देखेंगे हम लोग ना, टेक्टिकली वो अपने एयरफोर्स को मजबूत कर रहा है, हमारी नेवी है उससे ताकतवर, लेकिन हमारी नेवी की जो रीढ़ कही जाती है पनडुब्बी, तो हमारी पनडुब्बी 3 दिन में बाहर आ जाती है, सांस फूल जाता है उसका, अरे बापू पानी में छोड़ दिया था, और उसकी पनडुब्बियां 21 दिन बाद निकलती है, 21 दिन बाद। सोचिए पानी में घुस गई अगर कराची में, तो 21 दिन बाद पता नहीं कहां चल गई रहेगी, पता नहीं कहां चल गई रहेगी, पते नहीं चला हम लोग को, तो ये सब सोचने की बात है। और हमारी मीडिया हमको तो एक बार ऐसा लगा कि हम लोग अमेरिका के पीछे कर दिए, हाँ 3 दिन लगातार हम न्यूज सुन लिए थे, खाली बैठे थे इधर लॉग नहीं, धारा 144 लग गया, तो न्यूज सुन रहे थे, न्यूज सुनते सुनते 3 दिन बाद ऐसा लगा कि हम अमेरिका से आ गए हैं। तब तक पटना से धारा 144 खत्म हुआ, बाहर निकले तो क्या, ओह, तो हमको लगा कि नहीं नहीं अभी यहाँ मार बिस्कन्या है सब, ऐसे भारत विश्व गुरु हो गया, अरे सिर मालदीप आंख दिखा रहा है, हमारे यहाँ के चाइना को बोलने से पहले हम लोग भाषा से तय करते हैं कि ऐसा भाषा बोले कि उसको खराब ना लगे, वो खुलेआम बोलता है इंडिया आउट, बोलते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल कोई थोड़ी बोला है कि चाइना का बाइकआउट करो, ऑफिशियल कोई नहीं बोलता है यहाँ पे, उसका प्रधानमंत्री बोल रहा है, तो ये सब चीज अपना अपना है। तो ये सब समझ में आ गया आप लोगों को।